मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से 12 साल पहले 2 अप्रैल 2011 के दिन भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरा वनडे क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 28 साल बाद भारत ने वनडे क्रिकेट का विश्व कप अपने नाम किया था। इस ऐतिहासिक पल को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल ने 2011 विश्व कप की जीत के उपलक्ष्य में वानखेड़े स्टेडियम में एक छोटा विजय स्मारक बनाने का फैसला किया है। विजय स्मारक उस स्थान पर बनाया जाएगा जहां एमएस धोनी की ऐतिहासिक विनिंग सिक्स वाली गेंद स्टैंड में गिरी थी, और इसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पवेलियन से 5 चेयर्स को भी हटाया जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सहित करोड़ों भारतीयों का सपना फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी के विनिंग सिक्स के साथ पूरा हुआ था। आज अप्रैल यानी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आज पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीएसके टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, जहां उन्हें 2011 के फाइनल में भारत को विश्व कप जिताने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने फेलिसिटेट किया।